क्या बात है बेटे, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? ऐसी तो कोई बात नहीं है पापा। क्या बात कर रहे हो, मैं तेरा बाप हूँ, तेरे गाल देख के बता सकता हूँ तू किसी परेशानी में। गाल देख के? लोग तो आंख देख के बताते हैं। बेटे तेरी आंख दिखती कहाँ है? तूने कचौड़ी खाकर ये भटूरे जैसे गाल कर रखे हैं, आंख दिखे ही कैसे? क्या यार पापा। अच्छा चल छोड़, बताना क्या बात है। कोई बात नहीं है पापा। अरे बताना क्या बात है, बताना। अरे बताना क्या बात है। नहीं अब डांटो पापा। अरे पागल है क्या तू? मेरे साथ कुछ भी शेयर कर सकता है, मुझे अपना दोस्त समझ, मित्र। अच्छा तूने वो हाथी मेरे साथी वाला गाना सुना है? चल चल मेरे हाथी ओ मेरे साथी, वो एलिफेंट वाला। हाँ उसके हाथी तुम और साथी हम। नहीं पापा हम मारोगे। अरे नहीं मारूंगा बेटे, चल थोड़ी देर के लिए तू भूल जा कि मैं तेरा बाप हूँ, ये सोच मैं तेरा जिगरी यार हूँ, भाई हूँ तेरा भाई। सही में? हाँ अब बता क्या बात है, चल चल बता। भाई लाइफ में ना बहुत टेंशन चल रहा है आजकल। क्यों? वो तेरी भाभी है ना, कल उसके साथ ब्रेकअप हो गया यार। दूसरे हॉट एयर बलून, तेरी नाक मत रीट पूछ पूछ, तेरी माँ देव है, इसके यहाँ मेकअप ब्रेकअप चल रहे हैं। सॉरी भाई। भाई बोल लगा। सॉरी पापा। पापा जी बोल। पापा जी। पापा मेरे कॉलेज का ट्रिप जा रहा है गोवा, मैं भी चली जाऊँ? नहीं बेटे नहीं, ये कॉलेज के ट्रिप बिल्कुल सेफ नहीं होते, और गोवा का तो इतना खराब माहौल है। अच्छा? और वहाँ तो लोग ड्रिंक करके और ऐसे लोटपोट होते रहते हैं रोड पे। अच्छा जी? और पिछले साल तो कितने बच्चे पानी में डूब के मर गए। कैसे जी? गोड़ो 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 वापस ही ना आए फिर। नहीं बेटे नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना। लेकिन पापा मेरी क्लास की तो सारी लड़कियां जा रही हैं। लड़कियां का क्या है, बेकार लकुए में जाकर पढ़ेंगी, उनकी गर्ल पढ़ेगी जाकर। मम्मी आप तो रहने दो, पापा प्लीज जाने दो ना। बेटा देखो जहाँ भी जाना है ना, शादी के बाद चले जाना, अपने हस्बैंड के साथ चिल करना, शादी के बाद हमें कोई एतराज नहीं है। जी कोई एतराज नहीं जी, शादी के बाद हमें कोई एतराज नहीं। अरे भारती बेटा कहाँ जा रहे हो? मम्मी पार्टी में जा रही हूँ, थोड़ा लेट आऊंगी। कितनी शॉर्ट ड्रेस पहनी है तुमने, जाओ कोई सूट सलवार डाल लो। मम्मी नाइट क्लब में पार्टी है, सूट सलवार कौन पहनता है? हाँ तो कोई जींस टी शर्ट डाल लो, ये ड्रेस देखो अपनी कितनी शॉर्ट है, जाओ चेंज करो अभी इसको। मम्मी पार्टी में शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनूंगी तो कब पहनूंगी? बेटे जो भी पहनना है ना शादी के बाद पहन लेना, लॉन्ग शॉर्ट प्लाजो जो मन करे पहनना। तुम्हारी माँ ने भी शादी के बाद इतने गुलछर्रे उड़ाए हैं पूरी रिफड़ी है, लेकिन हमें कोई एतराज नहीं है। जी कोई एतराज नहीं जी, शादी के बाद हमें कोई एतराज नहीं। बेटे ये क्या कर रहे हो? पापा जवाहर चौक पे नई डांस एकेडमी खुली है, मैं भी डांस सीख लूं, अभी तो गर्मी की छुट्टियां भी चल रही हैं। बेटे डांस भी कोई सीखने की चीज है, कोई कंप्यूटर का कोर्स कर लो, कोई कढ़ाई सिलाई का कोर्स कर लो, जेबीडी की तैयारी कर लो, वो ट्रेंडिंग कोर्स है, कोई कुकिंग वगैरह सीख लो। मम्मी आप तो रहने दो, पापा मुझे डांस का बहुत शौक है, मैं फिर कब सीखूंगी डांस? बेटे डांस का शौक है तो शादी के बाद सीख लेना, जो मर्जी डांस सीखो, भरतनाट्यम कथकली कन्याकुमारी चाणक्यपुरी कोई भी डांस सीखो, शादी के बाद हमें कोई एतराज नहीं है। जी कोई एतराज नहीं जी, शादी के बाद हमें कोई एतराज नहीं। मम्मी पापा मैं जा रही हूँ बस यहाँ से। अरे कहाँ जा रहे हो बेटे? जहन्नुम में। बेटे देखो जहाँ भी जाना है ना शादी के बाद चले जाना, हमें कोई एतराज नहीं है। जी कोई एतराज नहीं जी, शादी के बाद हमें कोई एतराज नहीं। पापा पापा क्या? वो डॉक्टर एक्सरे करवाने के कह रहे थे। तेरा एक्सरे करवाने की भी क्या जरूरत है भाई, उनको बोल दे टी शर्ट निकाल के फोटो ले लेंगे तेरा, पसली पसली तेरी वैसे दिखती है। पापा एक्सरे भी तो खर्चा करना है, बदतमीज। ले बेटा दूध पी ले। दूध क्यों, मिल्क शेक लिया इसकी ताई थोड़ा। तू क्यों छोड़ रहे है, पाछा पड़ रहा है, 80% नंबर कम ना होते। 80% ना आजकल कोई ना पूछता, उबामणा के छोरे ने देख 94% नंबर ले आया है। अच्छा छोरे दूध ने सुबह मॉर्निंग वॉक पे भी अपने छोरे की मार्कशीट गैल लेकर आवे है, पूरे बाबा जी कर चुराण में ले आया। अरे वो मारा 80 80 ससुरा 80। पापा कॉमर्स ले रहा था, मैं साइंस ले रहा हूँ। अरे बेरा जैसा तो साइंटिस्ट बनेगा, इससे एक घर का बल्ब चेंज करने की कह दो ना, इसके दिमाग का फ्यूज उड़ जाए। जय
जब मारे तो कति ये कर्म फूट गए ना तो पढ़ाई में तेज ना ये शरीर में कुछ लागता शरीर है इसका ये हाथ देख टल्ली से हाथ ले रहा है टंग 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 कोई यार इसे घंटा सा बजा जाए किसी दिन अरे यो बीड़ी पी हुआ है ससुरा मैंने एक दिन देखा था छात पे पापा बीड़ी ना थी वो चूरन था चूरन चूरन चाटी है ससुरे तू बलवान के बाल का ना देख खाक खाई से सांड पड़ रहे हैं बाउंसर ला के इसे पड़िया नाइट क्लब में दोनों ना खावो तो यो भी खूब से पर सारे का गु बना दे है एक एक घंटे तू बाथरूम में बड़ा रहे है मन नहीं का सारा भी रहे हो क्या करे बाथरूम में सारा भी रहा मन तेरा तेरा बाप हूँ मैं कैमरे लगवाऊंगा बाथरूम में पापा का बच्चा आया यहाँ बेराना मन तीसा लग गयो अगला जड्डा मुश्किल पकड़ेगा तू जड्डा की बात करे है यो ईब की बार गर्मिया में पिंगड़ लेगा किसी दिन तेज हवा आगी ना यो पड़ोसिया की बीत पे चिपका पाओगा खर्च खर्च ताना पड़ेगा खर्च खर्च अरे ये सीट किस तरह पीछे होगी मेरी नाड़ टूट गई पापा साइड में हैंडल ने खींच दो अरे की थे हैंडल यार पापा उस साइड है कुछ कौन है आड़े देखो गाउड है अरे तोड़ती मेरी नाड़ तोड़ती तोड़ ऑटोमेटिक कार लूंगा के ले लिया आराम से खींचा रे पापा उसने फिर आराम से खींचा करे अरे गाड़ी तो बढ़िया है यार और आके देख ले ट्रक में ठोकेगा अपने फूफा में देखने तो लग रहा पापा मंदी चला गाड़ी ने मंदी चला 60 पे तो है माइनस 20 कर 30 पे चला 30 पे चला पापा 60 माइनस 20 40 होगा अपने बाप से सिखा होगा गधी के बच्चे बड़ा उतर आ रही है बट अरे ये बाल बाल कौन पापा, हाथ एक्सीडेंट हो जाएगा हाथ मत छोटे गाड़ी पे देना ये हाथ तोड़ के तेरे भीतर गो दूंगा बदतमीज अरे गर्मी बहुत हो रही है एसी चला दे बेटे एसी खराब पड़ा है पापा आप तो हजार बार तो क्या ली सनरूफ वाली गाड़ी ले लो वो खुली साथ आओगी अच्छा अच्छा खुली साथ वाली गाड़ी चाहिए तेरे काम करते हैं हेलीकॉप्टर ही ले लेते हैं सही कहो पापा और क्या उसके ऊपर नेचुरल इतना बड़ा पंखा लगाएगा खुली हवा आएगी कितनी फ्रेश हवा होगी पापा और क्या ना ट्रैफिक की चिंता ना पार्किंग की अपनी छत पे ही पार्क कर देंगे तो सही आइडिया पापा और क्या सेफ्टी की सेफ्टी और कोई नोटी बच्चा स्क्रैच भी नहीं मार सकता बिल्कुल सही कह रहे हो पापा करता हूँ कैश जल्दी है रे मैंने जिंदगी भर कमा कमा मर लिया अरे नंग में चूतड़ा नीचे हेलीकॉप्टर चाहिए गरम तो तेरे छोटे बग्गी वाले भी कोने काटड़े से पापा पापा जी बोल लो जी निर्मला जी लड्डू लो हाँ जी हाँ जी ले रहे आप भी लो बिमला जी और पेठे की मिठाई भी टेस्ट करना बहुत टेस्टी बनी हुई है सुमित्रा जी लड्डू तो बड़े फ्रेश है फ्रेश क्यों नहीं होंगे पिछले साल इसके ताऊ के लड़के की शादी में तो बनवाए थे एक ही साल हुआ है और ये मट्टी भी ट्राई करो जी ये भी बहुत फ्रेश है बेटे आपको आंटी जी याद है नहीं मम्मी याद नहीं है अरे बचपन में आपने एक बार इनके ऊपर सुसु की धार नहीं मार दी थी पूरा सूट खराब कर दिया था जी नोटी था बहुत अरे सुमित्रा जी कहाँ याद होगा इसको तब तो ये बहुत छोटा था और आप देखो इसे कितना बड़ा हो गया है ये तो जी सब लड्डुओं का कमाल है आप भी लड्डू लो नहीं 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 हम तो कोल्ड ड्रिंक चलो जी जो आपकी श्रद्धा और बड़ा बड़ा नहीं जी ये टैलेंटेड भी बहुत हो गया है अच्छा जी और इसको बहुत अच्छा डांस आता है रियली और बेटे आंटी को डांस करके दिखाओ नहीं मम्मी शर्म आती है अरे शर्माने क्या बात है आंटी खुद इतनी बेशरम है क्या सुमित्रा तुम भी बच्चों के सामने चलो कोई नहीं बेटे डांस करके दिखाओ नहीं मम्मी नहीं बेटे करके दिखाओ नहीं मम्मी करके दिखा डांस करके दिखा नींद लेगी चैन लेगी भूख लेगी प्यास लेगी हंसना छूट गया गाना छूट गया तेरे प्यार में खाना छूट गई और क्या बच्चे की जान लेगी अरे बेटा तुम तो बहुत अच्छा डांस करते हो डांस डांस नहीं जी इसको तो सिंगिंग भी आती है अच्छा जी और इसको तो इंडियन आइडल वाले उठा के लेके जाने वाले थे फिर उनसे उठा ही नहीं वजन का कुछ तो फायदा होता है सही बात है सही बात चलो बेटा आंटीज को कोई गाना सुना दो नहीं मम्मी नहीं अरे सुना दो बेटा नहीं मम्मी अपनी पसंद का कोई गाना सुना दो नहीं मम्मी सुना ना मांगू सोना चांदी ना मांगू हीरे मोती ये सब मेरे किस काम के देती है दिल दे बदले में दिल के देती है दिल दे बदले में दिल के बस बेटा बस बस बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे सच में सुमित्रा जी बहुत टैलेंटेड है आपका लड़का और इसको सिंगिंग सिंगिंग नहीं स्विमिंग भी आती है अच्छा जी और बेटा आंटी को स्विम करके दिखाओ नहीं मम्मी नहीं लेकिन सुमित्रा जी यहाँ तो पानी ही नहीं है अरे वही तो टैलेंट है बिना पानी के स्विम कर देता है कैसे
चलो बेटा करके दिखाओ। नहीं मम्मी। बेटा करके दिखाओ। नहीं मम्मी। करके दिखाओ। देखते हैं नहीं। तुम्हारे गाल देख के बता सकता हूँ तुम्हारी आंखों में डीड़ भरी है नरी। सही में भरी है के? साथी तुम आती हम। अरे बताओ ना क्या बात होगी, बताओ ना, बताओ ना, अरे बताओ ना। नहीं बाबा हम डॉक्टर। गाल देख के पापा, लोग तो आग देख के बताते हैं। सिगरेट क्यों पी होता? लोग तो आग देख के बताते हैं। तो कल तेरी हाथ तो उठाओ। मार दिए होते नौकरी लग गए बढ़िया बाउंसर एक नंबर नाइट क्लब में। सॉरी ना सुन रहे ऐसे। अरे इन्होंने आपके ऊपर सुसु नहीं कर दिया था। तो दोस्तों वी होप आपने इस वीडियो को खूब एंजॉय किया होगा। तो इस वीडियो को दबाकर लाइक करो, कमेंट करो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ खूब शेयर करो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार @ललितशौकीन1515। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शौकीन फिल्म्स। थैंक यू सो मच, बाय।